जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। आपको क्रिकेट की दुनिया से कुछ बातों से आगाह करता चलूँ। वकार जूनो साहब एक क्रिकेटर, बॉलिंग कोच हैं। इनके बारे में ये बातें सुनने को आए हैं कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वो अपनी फैमिली के पास ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। और इसके बाद ये खबरें भी सुनने को आ रही हैं कि मोहम्मद आमिर टीम के फास्ट बॉलर टीम में वापस आने के लिए तैयार हैं, जो पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर जिन्होंने टीम मैनेजमेंट से दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफ़ा दे दिया था, इनकी टीम में वापसी हो रही है। और मिसबाह उल हक जो टीम में मौजूद हैं, जिससे आमिर को बहुत सी मुश्किलात थीं, शिकायत थीं कि उन्होंने भी मोहम्मद आमिर को इग्नोर किया है, इस वजह से मोहम्मद आमिर कभी भी टीम में वापस नहीं आएंगे। ताकि मिसबाह उल हक जो क्रिकेट टीम के बड़े कोच हैं, वो भी टीम से फारिग हो रहे हैं। इनकी टीम की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है और इनकी मुद्दत में मज़ीद तौसी नहीं की जा रही। तो इस हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि मिसबाह उल हक को भी फारिग किया जा रहा है। इनकी जगह पर नए हेड कोच की तलाश भी शुरू कर दी गई है और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान जो सीरीज जारी है, जिसमें T20 के बाद 2 मैच होने बाकी हैं, इन मैचों के बाद मिसबाह उल हक को फारिग कर दिया जाए और नए कोच का ऐलान कर दिया जाएगा। और ये भी मुमकिन है कि वकार जूनस पर मिसबाह उल हक के बाद मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल कर दिया जाए। ये थी क्रिकेट की दुनिया की खबरें। इन खबरों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।